घर के अंदर ऐसे जा रहा है बारिश का, पानी जा रहा घर के अंदर। ये देखिए हम तो भीतर गंद सो रहा है और सो रहा है, इतना पानी, रोटी खाना डाइट खराब हो जाए, वो पर हो जाए। तो क्या करें, काटना तो पड़ेगा भैया सारा पानी। मैं बोट लेन का तरह हाथ पांव जोड़ेंगे बस, उसके बाद कोई वो आकर के यहाँ नहीं देखते कि क्या है क्या नहीं। उनको मैसेज कई बार कर चुके लेकिन कोई समाधान नहीं है। पानी खुला पानी डालने लगे, नाला खोल दिया, खेत के नाले खोल दिया, खोल दिया भैया। अब ये व्यवस्था है जी, अब रहने के लायक बनाया है। अब ये गरीब आदमी है, ऊंचा उठा नहीं सकते है, पता नहीं जी किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं इस जीवन के ऊपर। लेकिन नाले खोलो, लेकिन अभी इनके सुनने वाले पता नहीं कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हर बार बारिश का हाल है। हर बार का, चाहे वो रात को आ जाए, चाहे दोपहर को आ जाए, चाहे सुबह आ जाओ। पता नहीं था लैट्रिन का लिकड़ा है, पानी उड़ता है, 5 बजे लग गया है, 12 बज गई। वो लैट्रिन धोवा करो, खाना बनाओ, भूखे पैसे लगे रहा। गरीब आदमी के कौन है मारा, ये टूटे फूटे दिन पर किन बनाए को नहीं काम धंधा, काम पा गया था। हाँ, काम पा गया, बस सोरण का गंद। हाँ, गंद सोरण का, सोरण का गंद, सोरण का। ये बारिश बारिश चमासा चमासा मार, मैं नहीं बनेगी। हाँ, नहीं बताई, सारा पानी मारा घर में जा तो शिव ने तो खुलवाओ, दुख सक नहीं भाई, बालक बाहर जा सकना, भीतर आ सकना, दुखी कौन है हम, रोटी पोकना खा सके बालक, सारा ग्राम पानी भर गया। तू खुद देख ले, तू तो समझदार से है, फोटो तो आ रहा ना, तो क्या इलाज भी करो इसका। अच्छा, हाँ, क्या मुझे बंदोबस्त करो, हम तो फोटो दिखा सका। हाँ, दिखाओ, इलाज तो नेता करेंगे, अधिकारी करेंगे। हाँ, तो उन्हें दिखाओ यार। अच्छा। भाई देखो सारे ग्राम पानी भर गया, शायद दुनिया दुखी से, शिविर ने खोलो इसके। इनके। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक है, सारा ग्राम पानी भर। नमस्कार, मैं अजय। ओ, एक फिल्म देखी आपने, राजू बन गया जेंटलमैन। अब ये शहर भी जेंटलमैन है और इस शहर के अंदर रहने वाले लोग भी जेंटलमैन है, लेकिन सब व्यवस्था है कि इन्होंने 24 के अंदर ही नेता के लिए, अपने एमपी के लिए वोट देने का काम किया है। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये कुछ आपको जगह दिखाने का काम करूँगा इस शहर की, कि कितना शहर 24 के अंदर है, क्योंकि हमारा जो देश है वो अमृत काल के अंदर चल रहा, यानी अमृत काल की सभी तरह की बातें होनी चाहिए, अमृत काल के अंदर कोई भी किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं हो। लेकिन जो ये देवीलाल द्वार है, ये एक कॉलोनी है जिसको इस शहर का, चाहे पोस इलाका कह लो, चाहे वो गरीब इलाका कह लो, चाहे इसको बस्ती कह लो, चाहे इसको कुछ भी कह लो, और ये शहर के लिए मंडी की व्यवस्था है, और ये मंडी के अंदर की बारिश की व्यवस्था है। अब बारिश आई है नहीं, यही पर मेरा बड़ा बारिश कितनी का आई थी, बहुत ज़्यादा आ गई। कितनी का आई, 20 मिनट, 20 मिनट बारिश आई है। कितनी देर बारिश आई है, 20 मिनट। पानी क्या दिन में लेकर आ, 4 दिन लग जाएगा, 20 मिनट के पानी को 4 दिन लग जाएंगे निकलने में। हाँ, 4 दिन लग जाएंगे। चार दिन लग जाएंगे, 4 दिन तो शामिल, अभी तो मौसम खराब है, 4 दिन लग जाएंगे। दोस्ते ऐसे है, कैसी व्यवस्था जी रहे आप, क्या कराया जाए, हर बार की व्यवस्था क्या कराया जाए। हमने के शहर छोड़ दिया, ये समस्या ध्यान छोड़ दी ना, चार हल्के पकड़े जरूर है, लेकिन समस्या मैं शहर के दिखाऊंगा जो आज के दिन किया समस्या है। अब यह मंडी है शहर की, अगला क्षण भैया, यह अब यह शहर की मंडी है, अब यह शहर की मेन मंडी का ये हाल है और एक कॉलोनी का ये हाल है। इसका यो इस मंडी का ऐसा ही हाल है, ऐसा हाल है। कितनी बारिश आ जाओ, कैसे जब कितनी बारिश आ रही है, नेता अधिकारी सभी अपनी पीठ थतवा लाग रहे हैं कि हमने ये रोड बना दिया, हमने ये रोड बना दिया, हमने यह रोड बना दिया। तो आज जो भाई साहब है, जो आज के दिन व्यवस्था खराब हुई है पानी की वजह से, तो कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, सारा नुकसान है, पूरी मंडी का ही नुकसान है, ये तो सारी दुकानें बंद पड़ी है, माल लेके आए तो बेचेंगे कहाँ पे, तो और ये पानी निकलेगा नहीं पूरे दिन भी, ग्राहक आएगा नहीं। सब्जी में एक कहावत है,
या तो मन भेज दे, नहीं मैं तना भेज दूंगी। सही बात है, हकीकत बात है, ये माल खराब होगा तो होगा ही, उसमें क्या करेंगे, इसमें ये पानी निकलता नहीं, पूरे पूरे दिन भरा रहता है यहाँ पे। मंडी का दुकानदार खराब, मंडी का मंडी सब्जी है वो भी खराब, सब कुछ खराब, इधर भी खराब माल। नमस्ते, क्या मानते हैं आज तो आ सकेगी मंडी के अंदर जाऊँ, आ रहे कोई देख के आऊँ, आ रहे क्या भाव मिलेगा, भूत आओगे लेने के लिए आते लोग, लेकिन आप यहीं से आगे बंद कर। हाँ यही बंद है सर, यही लेनी पड़ेगी, कहाँ से आएगा पानी आगे तो, इस शहर से है। हाँ जी, क्या मांग आपका, ये देखो सर मेरा तो सर बैंक कॉलोनी है, तो उसका क्या हाल है, ऐसा ही हाल है, ये रोड बड़े है, ये सुविधा होगी कि क्यों है, इससे तो फर्क है सर, ये ऊंचा थोड़ा बहुत जो ऊंचा है, लेकिन उसके साइड की जो नाड़ व्यवस्था वो नहीं बनी ना। हाँ वो तो नहीं, वो नहीं बनी, इसके लिए भुगत रहे। हाँ इसके लिए भुगत रहे। तो अब आइडिया लगा ले कि इसके अंदर मंडी के अंदर काम करने वाले लोग और इसके अंदर जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, अब उनकी स्थिति क्या होगी और किस तरह से होगी। आ जाओ जी, पहला पड़ाव ये है, अब शहर के अंदर कोई अगला पड़ाव और दिखाने का आपको काम करूंगा। स्थान नंबर 2 और अग्रसन चौक रोहतक गेट, और उसके आगे की व्यवस्था ये है। पानी कहाँ कहाँ बुरा है सर, में पानी कहाँ कहाँ बुरा है, पानी सर यहाँ बीसी कॉलोनी 1, फांसी गेट 2, बस स्टैंड 3, रोहतक गेट सर 4, और इधर दिनोर गेट से आगे जोगी वाला मंदिर सर 6, बाकी शर्मा कहाँ गया नहीं हो। आज की यह बारिश कितने देर आई है यहाँ पर सर, कम से कम 1.5 घंटा बारिश आई है, 1.5 घंटा बारिश आई है। हाँ जी सर, 1.5 घंटे की बारिश है। हाँ जी सर, अब 1.5 घंटे की बारिश बताओ लोग। नमस्कार, और आगे की व्यवस्था, ये चौक है जी, अब भिवानी पुलिस थाना उद्योग क्षेत्र है, सारी रक्षा भी ये कर देगा, इसकी जे एन सी पाएगी, अब सारी रक्षा भी वो कर देगा। नमस्ते, कहाँ का पानी है शहर में, शहर में सारा सर पानी, बारिश कितनी देर आई है, बारिश तो 3 घंटे ही होगी, 3 घंटे पूरी बरसेगा, पानी पूरा है। अच्छा, ये आपके शहर के लिए व्यवस्था नंबर 2 है, क्योंकि आप लोगों ने अभी अभी ताजा ताजा वोट देने का काम करा है। अब जी सरकारी अधिकारी गाड़ी जा रही है, अब पता नहीं कौन सा अधिकारी फील्ड में है, कौन थे, लेकिन जी गाड़ी जा चुकी, तो आज अब लोग बुझने काम करो, अभी रेडी वाले हैं, अब इनसे पूछना काम करो। अंकल जी नमस्ते। नमस्ते भाई, मैं अंकल जी बात करता हूँ। हाँ जी, सब्जी नु कहा करे, या तो आप मन भेज दो, निशान नंबर पर भेज दो, हम नहीं बेच सके सब्जी, पानी भरा कहाँ जाएंगे, कहाँ बेचेंगे बताओ आप। शहर की व्यवस्था क्या हो रही है, पानी की व्यवस्था है नहीं, भिवानी के अंदर है नहीं, कोई भी सरकार आ लो, वोट तो हमें दो हो, क्या कराए सर, वोट तो देनी पड़े, वोट देवाए कहाँ जाएंगे बताओ, टपा वोट का नाम पर है, टपा टपा वोट का नाम पर, वोट तो देनी पड़ेगी, कहाँ जाएंगे, वोट तो देनी पड़ेंगी, कोई सरकार आ लो, पानी का सुधार तो है नहीं भिवानी के अंदर, सरकार क्या है, माने रोड बना दिया, बहुत फायदा कर दिया, लाभ कर दिया, रोड बना दिए तो नीचे बना दिए, पानी ऐसे ही भरा रहता है, तो अच्छा पीने का पानी नहीं मिल रहा, सियोर का मैं मिक्स पानी कितना ले लेंगे, पानी की कमी अरे तो बेटा मिक्स होकर तो पीवा, हाँ बीमार हो जाओ, हाँ अगर आम के भाग रहे आज, आम तो 100 के 2.5 किलो 3 किलो 4 किलो जो जिसा ग्राहक क्या जाओ उसे ग्राहक क्या करा है, टपाना पड़ेगा आज तो, साढ़े 11 बज गए, मजदूरी में रोड आज, मजदूरी में रोड आज। नमस्ते, करता हाँ कागड़ ले जाए, के मानना हो आज कितनी देर बारिश आई, के बारिश आया था, तो बारिश थी पूरी पूरी था, बारिश तो थोड़ी थी, बारिश थोड़ी थी, थोड़ी कितनी थी, तो घनी बारिश, बारिश कौन दिया, तो बारिश हुई है, डूबेगा शहर है, पानी का विकास नहीं हुआ तो डूबेगा, चलो जी डूबेगा शहर, कैसे है भाई साहब, वर्षो वर्ष आप आ रहे हो, व्यवस्था बढ़िया आप लोगों की, व्यवस्था बढ़िया को जी, एक भी काम बढ़िया को जी, पूरी रोड बना है, नया बड़ा है, सरकार गांव है, गीत माने वोट मांगे हैं, वोट मांग ला रहे हैं, हमने रोड बना दिया, रोड बना दी, ये रोड तो क्या फायदा है आपने, कोई फायदा को नहीं, नुकसान है, अंदर पानी भरा जी, अच्छा वो डबल नुकसान होगा, डबल नुकसान होगा, नमस्ते।
के लाभ होया के हानि हुई सरकार बना के सारे हानि है या उल्टी गंगा पार को चलाओ के करे बताओ। अच्छा सारे हानि है, देखो क्या हो रहा है, सारे अरे ऊंची होगी, दुकानें नीची होगी, सारा पानी भरा गया जवान देखो लड़क बद, हर साल दो साल में ऊंची हो गया है ना, इन लोगों सब साफ होए की बारी ना कोनी होए तो होए कोनी है सरकुलर रोड है। अभी इस और क्या व्यवस्था देखे, जहाँ पे साधन आ रहे हैं इस और उत्तरगढ़ की तरफ, और अब आप देखे जो दादरी गेट की तरफ जाने वाला रास्ता है, अब ये आने वाले हैं, ये जाने वाले हैं, ये सब चीज करने वाले हैं। तो यहाँ पे दुकानदार दो बातें, इनसे काम करना है, काम करूंगा। ये दुकानदार है, अब दुकानदार से दर्द बुझने काम करूंगा कि सरकार आपके लिए कितना काम कर रही। भाई कजारिया टाइल है मेरे हिसाब से, क्योंकि तो मैंने मेरे मकान में कदर ये लगाई थी कजारिया ने, कौन सी है कजारिया, कजारिया ये सारी मेरे मकान की टाइल यहाँ से गई थी। अब वो सस्ती थी महंगी थी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन भाईचारे की अगर मिसाल हो बिजनेस के अंदर व्यापार के अंदर, तो आप सांगवान परिवार के व्यक्ति को देख सकते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भाई साहब, मुबारक हो, आपके लिए रोड बना था सब चीज हुई थी, सरकार ने वोट मांगे थे इस रोड के ऊपर, तो वहां वहां लुटी थी, बिल्कुल क्या मांगती है वो की रहेगी। पानी की निकासी का जी पिछले 10 साल से हमने तो अभी तक यही देख रहे हैं, हर बारिश में यही बुरा हो जाता है, और 2 दिन तक पानी की बारिश में, मतलब ये बारिश आती है जब पानी ऐसे ऐसे रहता है, और काम धंधे तो ठप हो ही जाते हैं, और आमजन इतना परेशान होता है, देखते हैं जी किसी की मोटरसाइकिल रुक गई, किसी का स्कूटर रुक गया, किसी की गाड़ी रुक गई, कोई लेडीज जा रही है वो परेशान है, समाधान क्यों नहीं हो रहा है, किस वजह से नहीं हो रहा है ये अब सरकार बताए। दोनों तरफ पानी है, वो सीवर बंद हो गए ना, सीवर ओवरफ्लो हो गए जी, और ओवरफ्लो हो गए आगे से पंप नहीं चल रहे हैं, या क्या कारण है वो समझो, कितनी देर बारिश है शहर में आज आई होगी जी मेरे ख्याल में, ये 7:30 बार बारिश आई थी, हाँ 1 घंटा लगा ज्यादा, 8 बजे बारिश, इस तरह बारिश आई, अच्छी बारिश तो आधा पौना घंटे हुई है, बाकी थोड़ी बहुत झिरमिर झिरमिर रही है, लेकिन उसमें भी इतना पानी भर गया, ये मतलब सोचने वाली बात। तो सुबह सुबह में मेरे पड़ोस में अखबार बांटने वाले आते हैं बुजुर्ग जी, तो मैं बैठे था वो बैठे थे, तो मैं बोला बारिश चौकी आ गई, तो पता बुजुर्ग क्या बोला, बोला ना ये तो बुढ़ी बारिश आई है, जो बारिश होने के बाद बारिश बच जाएगा वह बारिश है, बारिश तो असली बारिश तो आई, असली बारिश तो अभी आई नहीं है, असली बारिश तो आएगी तो अब देखो क्या हाल होगा शहर का। बाकी इस टाइम ये है कि शहर में आप अंदर गली में भी जाके देखोगे तो गली में भी आने जाने का रास्ता बिल्कुल बंद है, नेतल निकलने के आओ, हाँ आना चाहिए, अब यही तो समय है कि लोग देखें इस चीज को, इसका समाधान करे सरकार, और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उनसे भी आह्वान करते हैं इसको समाधान करें। कजारिया नाम है, सांगण सांग व्यक्तित्व है, उनका कोई मोल को नहीं है, और नाम से बिकते हैं सब सब चीज, लेकिन उसके आगे की व्यवस्था यह है, अब कदारे टैल टैल के मालिक आ जाए, सीओ आ जाए, कोई अधिकारी आ जाए, तो के देखेगा हमारा माल खड़े पे बिका है, यानी चुमा साल आ गया कोनी, उस साइड पे शोरूम पे जाने की जगह नहीं है, अगर कोई आदमी अगर पैदल जाना चाहे तो यहाँ भी जगह नहीं है, वहां भी जगह नहीं, हालत ये है। अब इस शोरूम से मैं बाहर निकल के दादरी गेट की तरफ बढ़ रहा हूँ, और ये शहर का सर्कुलर रोड है जिसकी सरकार वाह वाह लूट रही थी, कि अब की बार ऐसा रोड बना दिया हमने कि ना तो पानी ठहरेगा ना ही कुछ उसके ऊपर अव्यवस्था होगी, क्योंकि इसी रोड के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ा था, लेकिन बस ये है कि मैंने हर बार हर नेताओं के पूछने काम किया कि रोड बनाया, लेकिन जो साइड की नालों की है, सीवरेज की व्यवस्था है, उसके आप क्या देख रहे हैं, तो कई नेताओं ने कहा कि हम बना रहे हैं, यानी बनवाएंगे, दे रखा है, पता नहीं क्या क्या मेरे को बताने का काम किया, लेकिन आज इस एरिया में रहने वाले लोगों की ये व्यवस्था देखी जा सकती है। अब आगे जगह नंबर 3 बावड़ी गेट, अभी से मोटर के सारे, इस पंप के सारे, इस एरिया की व्यवस्था चलती है, पानी की हो या किसी और प्रकार के व्यवस्था की हो, अब जब कोई अधिकारी हो पूछना काम करूं कि मैं कई दिन में आया हूं, तो ये आपके सीवरेज है और ये आपके नाले हैं, आ जाओ अब आपको मैं नाले दिखाने का काम करता हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से वहां का पानी यहाँ पे छोड़ा जा रहा, ये देखो लग रहा वो दिखा। अब वहां से जहां से पानी आ रहा उसकी व्यवस्था ये है, और अब इसकी व्यवस्था ये है, और ये इस एरिया का तिल्ली बाड़ा है, क्योंकि मैंने यहाँ के नाले भी दिखाए हुए हैं,
यहाँ की व्यवस्था दिखाई, सब चीज मैंने ध्यान हर बार काम किया, लेकिन व्यवस्था यह है अब यह फ्री मानसून है, प्रो मानसून है, या मानसून है, या के है, ये आपके नेताओं का, अधिकारियों का आपके लिए काम है। तो मुबारक हो पहले मानसून आपको भी। तो यह व्यवस्था कैसे दिल्ली होगी भाई साहब? यह व्यवस्था तो नहीं, कितने जने वोट मांगने आए हैं, जितने थे भी आए अपनी यहाँ गुरुआज हुई थी, देखो अपना उन्होंने देखो, अगर तीन तीन जनरेटर ला रहे हैं, पहला भी आपसे माइक से मैंने यही कही थी, जनरेटर नई लाइन बिछरी सारी यहाँ सीवर की नई लाइन टोटल यो रोड बनने से पहला, उसके बाद भी तीन तीन जनरेटर लग रहे हैं। ये परसों परले दिन भी आ रही थी सरकारी गाड़ी बोलेरो लेकर साहब, अपने एक जगह कॉपी ले ली हाथ में और भाई सारा यो चल रहा था, तो नुन्ना देख जाए उर्ली का देख जाए भाई, रहना तो यो है पानी भरना सदा तेरे ना रियो तो यो बदबो इतनी सीड है भयंकर, यो सीवर का पानी नु कानू आ उर सते चलो जी कितनी बार कह लियो यो बैक भी मार है, ऐसी बात नहीं उरते यो उर से जा रहा है बैक मार है वापसी। अच्छा यो पानी आ तो उल्टा हुई इसमा लगा हां इसमा है बैक मार है यो निकलता को नहीं बैक मार है वापसी, बैक मार है एमसी कॉलोनी का निकल का है उरली का आके बैक मार खेल चल रहे है। हां एक बार एमसी कॉलोनी का निकल जाएगा, हां उर अपना चल आड़ा भर जाएगा, फिर यहां से निकालेंगे लिए वो बूढ़ा भर जाएगा वो हो जाएगा, इनमें चले जाइयो तेल फूके जा अपना जनता का लगे रहे अपना सरकार डिपार्टमेंट का काम करे आप लोगों के लिए भाई साहब, पूरे तो फिलहाल है कौन डिपार्टमेंट का बेरा कौन पूरा फिलहाल कोई काम को कितना कह लो कुछ भी कह लो ये तो फिर आएंगे वोट वोट मांगने मांगना होंगे अपना पे, यो सवाल है यो तो अपना जो पीसा लगना रहा है जनरेटर ला रही तेरे किस पर मुद्दा लग रहे हैं। धन्यवाद आपका। तो भैया आ जाओ अब तो, मतलब फिर से शहर में बढ़ जाए नालिया में, क्योंकि टाइम आ गया नाले दिखाने का, तो यह माटी है और यो सीवर है नाड़ा ये बाबा, अगर बाई चांस इतफाक से कोई आदमी पूरा पैर धर के इस बोर्ड तक आ जा तो क्यों हुआ है ये देखो, और ये देखो ये बाबा है ये सारा खुला जाए तो यार ये सारा खुला है तो उड़ था लेके ये देखिए खुला है सारा पूरे नाड़ा है और ये देखो कितना जरा है डंडा पूरा ताल गया। तो जी ये व्यवस्था आपके शहर के अंदर है? अपना चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ बढ़ाने वाले थे बिजली गर्म कर पाऊंगे नो हम बेवरे कट रहे हैं करंट अर्थ कोई बेरा को नहीं सिस्टम के इसके करंट लाग जो कोई भरोसा हो गया मन नो हम बे चलो जी। अच्छा बात सुना नमस्ते, आज की तो दुकानदारी पानी करनी पड़ेगी, क्या नाम है? देवेंद्र। कितने बच्चे हैं? चार। आम के बाले हैं? 100 का। हैं? 100 का 3 किलो 2.5 किलो बेच रहा हूं। 2.5 किलो 3 किलो बेच रहे हैं आप? हां। तो कितने रुपए के आम लेके आया? आम लेके आया भाई 2000 रुपए। 2000 रुपए। तो 12.5 बच चुके। तो 2000 में कितने रुपए बुनी कर लिया? अभी तो कुछ नहीं, अभी आया है। अरे बुनी किराए को नहीं है। चलो जी। अब ये बुनी करने के लिए गली में पड़ेगा। और जो बेच के आया है उस तब हूँ नमस्ते भाई, कितना रुपया सब्जी बिकी के बिका? बिका 1800। 1800 बिक गया, मजा आ गया? मजा का है पूरा हो गया है पानी की में। अच्छा मंदे बेचना पड़ा है? हाँ। अच्छा नुकसान उठाना पड़ा, सब्जी बेच के आ गया 1800 की, लेकिन नुकसान उठा के बेच के आया? 2100 का सब्जी था। 2100 का सब्जी, 2100 सब्जी थी, 1800 बिका, 300 भी नुकसान लग गया। ये व्यवस्था जी, तो व्यवस्था नंबर 3। अब आगे आ जाओ और भी आपको दिखाने का काम करूंगा, क्योंकि घड़ा गहरा पानी में बड़ा कौन है जी। हनुमान डाणी का एरिया है अब सारा। अच्छा रुको भिवानी का अंदर है, भिवानी 5 आंगन बारिश है तो टिकट ना महाभारत है भाई, वोट देने वाले भी आप हो? वोट कौन दिया मोदी? ना 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 ना, काम आप करते हो? वोट दिए? वोट नहीं दिए हमने, कांग्रेस को दिए। वोट की बात थोड़ी ना है, वोट तो आप अपने विकास को दे दो। विकास है घंटा रे बयाने का, तो कदे होए कोनी बयाने बंसी ला लेके सुलती लिखने लिख दे करे हो, मतलब भी कोनी होए कोन करे। आज ये पानी क्या घंटा में निकलेगा मेरे हिसाब से? 5-4 मंगल बारी सौरा जी तो निकलेगा कोनी भाई, अपना की व्यवस्था बनी? व्यवस्था धक्के मार के लाए देखो, तो बड़े पड़े हो बयाने में, इतना बुरा हाल है कि मेरे साजा हरियाणा में कड़े भी कोनी। अच्छा फिक्स है, वैसे बताएगी वो बता रहे कि तो दुनिया सुनाएगी। अभी देख लो
अगर इतफाक बाठा उठाने चाहे अगर इतफाक बाठा उठाने चाह जाए पानी में तो दूध भी खराब चोट भी लग जाए सारे काम हो जाए। ये कितनी देर व्यवस्था रहेगी भैया? क्या जी क्या व्यवस्था है? या थोड़ी दूर की जी थोड़ी दूर की चलो धन्यवाद। नमस्कार कैसे हैं? तो भैया दुकानदार बैठे हैं आज भाई आगे ना जाने मैं खड़ा ताल के आ गया। ये व्यवस्था भाई क्या घंटा पानी निकलेगा वो मेरा गुण जी कितनी देर जी इसमें 4-5 घंटे लाए थे कई देर का होगा खाली और सीवर रुक रहे हैं ये सारे। अच्छा कोई व्यवस्था नहीं गा गाड़ी पड़ गई मोटरसाइकिल एक तो 10 मिनट पहले रिक्शा बच गई पलटती पलटती हुआ तो जो रोड बनाया इसका कोई फायदा होया? फायदा क्यों होता जी पानी तो उन्हें पर रखते आओ दाड़ उड़ लिखान कर रखे सारा जी रोड का पानी आने वाला इस साइड आवे सारा इस साइड आवे नाले वगैरह का कोई इंतजाम को नहीं सारा पानी इस साइड आने लग रहा है। कितना पानी भरा पड़ा है? कितना पानी भरा है? कितना पानी है? वो कट यार हो गए तो कुकर काम चलेगा तो काम तो करना पड़ेगा काम तो करना पड़ेगा। बताओ समस्या बताओ भाई साहब में समस्या बताओ भाई साहब समस्या बताइए आपकी समस्या ये आप भैया देखिए ये पानी के ऊपर अच्छा इस एरिया में वो द्रमिर का ऑफिस खुला था और सारा मोहल्ला जाया करता हाँ तो देख लिया आप देखो जो कितना डूब गया साहब की भी इतना इतना डूब रहा है नहीं पानी की समस्या पानी पानी भी को नहीं आओ पड़ा कड़ा पानी आओ पानी भी नहीं आता हमारे और पानी की ज्यादा समस्या है भैया। तो कभी भी ठीक है भाई भाई मारे भिवानी का वो धर्मवीर ने भाई ने कहो कि मारी समस्या समाधान करो के भाई धर्मवीर हमने वो बनाया है एमपी बनाया है और भाई धर्मवीर सुनता हो तो हमारी बात सुनो अरे हमारी समस्या खत्म है। अच्छा बारिश कितने देर आई आज? आज तो मेरी गल में सुबह कई बरसे है आवे है जावे है आवे जावे बारिश रुके क्या घंटे हो गए? मेरे ख्याल में 2 घंटे हो गए बेटा 2 घंटे हो गए 2 घंटे हो गए हाँ 2 घंटे पानी की व्यवस्था बड़ी को हाँ देख लो तुम आपकी आपका क्या क्या है। चलो जी और धर्मवीर भाई ने कहो भाई हमारी समस्या में तेरे तीर पर बना दिया हमारा दीवाणी का काम कर हनुमान डाली का भी काम करो है। चलो जी अब धर्मवीर जी से आस है कि उन्होंने वादा किया था इन लोगों के आके पास आके गलियों के अंदर आके कि हम आपके लिए ये व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। समस्या भैया हनुमान डाणी के अंदर एक बूस्टर भी होना चाहिए ये वो हमारी बहुत समस्या है। धर्मवीर से जे वरिष्ठ अब चाहे धर्मवीर हो चाहे भाजपा का नेता हो चाहे भाजपा के कार्यकर्ता हो वो इस बात को गौर करने का काम करना कि इस शहर के अंदर कहाँ कहाँ पे ऐसी ऐसी व्यवस्था थी कमेंट के माध्यम से फोटो खींची सी माध्यम से आप डालने का जरूर काम करना लेकिन मैं आपको यहाँ तक मैं दिखा पाऊंगा ये मेरी न्यूज है तो इसमें कोई लाग लपेट नहीं कोई किसी द्वेष भावना नहीं बस ये है जो आपके शहर की व्यवस्था वो मैंने आपको दिखाने का काम किया सही 12:05 तक और मैं लगा था करीबन 10:30-11 से 11:30 लगा था क्यों क्या पानी दिखे तो कोनी आगे ने आगे बताओ आगे है पानी ज्यादा अच्छा आगे पानी ज्यादा है अच्छा तो कम है उरा कम है उरा कम आगे और ज्यादा है आगे और ज्यादा है तो तब आप आए हो आप बता दो ठीक है जी ये बता ले काम करें कि लोग आप आगे जाओ आगे पानी ज्यादा है आगे मैं क्या करूंगा हम आए हो हमें बता दो हैं थाना के बीच की धारा पे मैं थाली दिखा दूंगा तो ये व्यवस्था है जी शहर की। अब फिर से नेता आएंगे वोट मांगने के लिए वही वादे करेंगे नेता पता नहीं क्या जादू छड़ी घुमा के जाएंगे और ये वही लोग होंगे माला डालने वाले सबसे ज्यादा आगे बैठने वाले सबसे ज्यादा नारे लगाने वाले पता नहीं चाहिए नारे किस चीज का लगवाएंगे इस विकास का लगवाएंगे या फिर वो किस चीज लगवाएंगे लेकिन यह है कि आज लहरें तो आप हमारे शहर के अंदर देख सकते हैं। जे एन सिन्हा से अजय नायक दीपांशु शर्मा गया खास रिपोर्ट।